चुनाव के टाइम पे हुआ है ये तो जग जाहिर है ही, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ कोई साजिश या कोई इल्जाम मानववादी और आरएसएस के लोग लगाते हैं तो समझ लेना चाहिए कि ये कोई बड़ी साजिश के तहत है, जहां पे वो अपना कोई बहुत ही घिनौना कारनामा या कोई बहुत बड़ी चोरी छुपाने के लिए या लोगों का ध्यान बटाने के लिए या इलेक्शन में वोट लेने के लिए ये कार्रवाई की जाती है, और असल में वो पूरे मुल्क के खिलाफ काम होता है जिसको छुपाने के लिए, एक ये डायवर्जन के लिए मुसलमानों पे कोई झूठा इल्जाम इस तरह का लगाया जाता है और एक आर्टिफिशियल इशू क्रिएट किया जाता है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत सी खबरों की तह तक और वो कुछ जानकारियां हासिल करने की कोशिश करते हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कुछ जानकार लोगों से जो हमारा आपका जानना जरूरी है। इस वक्त कर्नाटक के का जो एक हिजाब वाला मसला है वो पूरे न सिर्फ मुल्क में बल्कि दुनिया भर में एक तरह से उछाल आया है इस पर, और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि 5 राज्यों के इलेक्शन के टाइम में यह हुआ है। इसके अलावा कानूनी कार्रवाई क्या कुछ हो रही है, अदालतों में क्या कुछ हो रहा है, वो सब जानने के लिए और कानून क्या कहता है इस सिलसिले में ये जानने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं, महमूद प्राचा साहब सीनियर वकील हैं और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, नेशनल कन्वीनर भी हैं। महमूद प्राचा साहब, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप बताइए कि आप इस पूरे ये जो घटनाक्रम है जो कर्नाटक से शुरू हुआ और अब प्रधानमंत्री जी भी इलेक्शन रैलियों में इसी के बारे में बात कर रहे हैं, आप इस सबको किस तरह से देख रहे हैं? चुनाव के टाइम पे हुआ है ये तो जग जाहिर है ही, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ कोई साजिश या कोई इल्जाम मानववादी और आरएसएस के लोग लगाते हैं तो समझ लेना चाहिए कि ये कोई बड़ी साजिश के तहत है, जहां पे वो अपना कोई बहुत ही घिनौना कारनामा या कोई बहुत बड़ी चोरी छुपाने के लिए या लोगों का ध्यान बटाने के लिए या इलेक्शन में वोट लेने के लिए ये कार्रवाई की जाती है, और असल में वो पूरे मुल्क के खिलाफ काम होता है जिसको छुपाने के लिए, एक ये डायवर्जन के लिए मुसलमानों पे कोई झूठा इल्जाम इस तरह का लगाया जाता है और एक आर्टिफिशियल इशू क्रिएट किया जाता है। गुड़गांव में नमाज जो कि लीगल परमिशन से हो रही थी उस पे इन्होंने अपने कार्डर्स के लोग भेजे, कोई आम जनता को कोई परेशानी नहीं, कार्डर्स के लोगों ने जाकर प्रॉब्लम क्रिएट की और उसके बाद सरकार ने जो प्रॉब्लम क्रिएटर्स थे मानववादी मानसिकता के और आरएसएस के कार्डर्स जो थे अलग अलग संगठनों के, उनके खिलाफ एक्शन ना लेके उसको नमाज को इशू बना दिया, मतलब खुद जाके शरारत करेंगे और उसका नुकसान भी जो जो विक्टिम है उसको और ज्यादा प्रताड़ित करेंगे, ये इनका, और यही काम इनका शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए होता है कि कोई अगर घोड़ी चढ़ के जा रहा है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाना चाह रहा हूं, जी, किसी शेड्यूल कास्ट के बच्चे ने अगर मूछें रख ली तो जाके मारपीट ये करेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर ही चोरी और इसका दूसरे का इल्जाम झूठा लगाएंगे कि हमने तो मारा इसलिए था क्योंकि ये चोरी कर रहा था। अगर कोई अपनी बारात घोड़ी पे लेके जा रहा है तो उसको घेर के मारा जाएगा और उसी की गलती निकाली जाएगी कि ये जो है म्यूजिक ज्यादा तेज बराबर जा रहे थे इसलिए जाके हमने इसको मारा, ये इनका एक सेट पैटर्न है कि जो जिसके साथ ज्यादती करनी है उसको ही गलत दिखाना, मजलूम को जालिम दिखाना, मजलूम के ऊपर इल्जाम तराशी करना, एक इनका एक सेट
तरीका तौर तरीका है, उसी के तहत ये काम भी हुआ है। और ये लोग क्योंकि इनका इतना बड़ा काडर है, सरकारें जहां जहां भी इनकी है, सरकारी तंत्र भी इनका काडर ही है, और वो देश के संविधान को खत्म करने के लिए सारे काम हो रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सारे काम हो रहे हैं। कर्नाटक के पहले एक बीजेपी के ऑफिस बेयरर ने कहा था इसी हिजाब वाले इशू पे कि हमारा अल्टीमेट गोल हिंदू राष्ट्र बनाना है। अभी एक मिनिस्टर साहब ने कहा है कल ही कि भगवा झंडा तो हम लाल किले पे भी फहराना चाहते हैं। ये ओपनली कहा जा रहा है, मिनिस्टर हैं, कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है, कर्नाटक के बीजेपी के मिनिस्टर, आरएसएस के सीनियर मेंबर। तो इनका हर चीज जो इनकी है, जब तक लोग इनके ट्रैप में आके इनके एजेंडे पे काम करते रहेंगे तो इनको फायदा ही होता रहेगा। और आज जो अदालतों में भी हो रहा है, जिस तरीके से ये केस डिफेंड किया जा रहा है, जो लोग ये केस फाइल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से जो सरकार है, जो जो इनके आरएसएस और मनुवादियों के संगठन है दूसरे, वो जो भी दोनों काम कर रहे हैं, दोनों साइड के लोग, वो आरएसएस बीजेपी और मनुवादियों को फायदा ही पहुंच रहा है, क्योंकि ट्रैप में आके काम हो रहा है। बुनियादी मुद्दा हिजाब नहीं है, बुनियादी मुद्दा यह है कि महिलाओं को मनुवादी सोच, मनुस्मृति का जो सिस्टम है, जो हिंदू राष्ट्र का सिस्टम है, उनको एजुकेशन हासिल नहीं करने देनी है। महिलाएं ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये कॉन्सेप्ट है। जो पीटने के अधिकारी हैं उनको एजुकेशन नहीं लेने देनी है। शुरुआत हर चीज की मुसलमानों से होगी, तो ये महिलाओं को तो चाहे वो अपर कास्ट की भी, सो कॉल्ड अपर कास्ट जो होती है उसकी भी हो, एजुकेशन जो है ममनून है, और वो भी पिटाई के लिए, पिटाई के योग्य हैं, ये इनकी सोच है। और क्योंकि अब ये इम्प्लीमेंट करना है, तो यही जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, कोई लड़की अगर जीन्स पहनती है तो उसके खिलाफ भी ये यही काम करते हैं। आप लोगों ने एक जगह नहीं, पचासी जगह देखा होगा। तो लड़की को तो ना अपनी ड्रेस कोड चूज करने का हक है, ये इनकी मानसिकता है। जीन्स पहनने पे, या जो आजकल मॉडर्न कपड़े पहन, जिन्हें मॉडर्न समझा जाता है या कहा जाता है, वो अगर कोई पहनना चाहती है लड़की, तो उसके खिलाफ भी इन्होंने बड़ी बड़ी मुहिमें चलाई हैं। उसी तरीके से हिजाब जो है वो भी चॉइस है। अगर किसी के ऊपर थोपा जा रहा है तो वो भी गलत है। जैसे कि ये कहा जाता है कि कुछ जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पे हिजाब थोपा जाता है, तो वो थोपा जाना भी गलत है और वो रोका जाना भी उतना ही गलत है। और ये वैसी ही हरकत है जैसी कि इस चीज को, किसी चीज को थोपा जाए। मजहब भी थोपा नहीं जाना चाहिए किसी पे, ये बुनियादी बात है। लेकिन अब इसको इशू क्या बनाया जा रहा है, हमारी जो जो हिजाब वाली तरफ से इशू बनाया जा रहा है, इशू ये बनाया जा रहा है कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं हिजाब पहनू ना पहनू। फंडामेंटल राइट को तो एक कानून बना के उन्होंने कानून बना दिया कि आप जो है हिजाब नहीं पहन के जाओ, तो ये उसमें फंस जाने वाला काम है। इन्होंने जो एजेंडा सेट किया हिजाब के खिलाफ, इन्होंने एक कानून बनाया और उस कानून को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, और इम्प्लीमेंट कराने की भी कोई मतलब किसी को कुछ फर्क थोड़ी पड़ रहा है। अगर स्कूल ही ये परमिशन ही दे दे कि हमारा जो ड्रेस कोड है उसमें हिजाब भी परमिटेड है, अगर ये स्कूल परमिशन ही दे दें, पगड़ी भी परमिटेड ही है, बिंदी लगा के आना परमिटेड ही है, जो माथे पे तिलक लगाते हैं लोग वो भी परमिटेड ही है ड्रेस कोड के हिसाब से, तो मसला हल हो जाएगा। हर स्कूल ये मसला अपने आप हल कर सकता है, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये अपना मसला हल कर सकता है, ठीक है। अब उसमें ये भी कहा जा सकता है कि अगर हिजाब होगा भी तो वो एक वो पर्टिकुलर कलर का होगा ताकि वो बाकी ड्रेस से मैच करे। ये भी कहा जा सकता है कि अगर कोई तिलक लगाता है या पगड़ी पहनता है तो वो भी ड्रेस जो उसकी वो है, जो बाकी स्कूल की यूनिफॉर्म है, उससे मैच करके हो सकती है, या तिलक भी लगाता है कोई तो वो मैच करके हो सकता है। ये तो एक सोल्यूशन होगा। यह तो ये भी कहा जा सकता है ना कि कोई महिला साड़ी पहन के भी नहीं आएगी। यूनिफॉर्मिटी की अगर बात करनी है तो ये भी कहा जा सकता है
कि हमारे स्कूल में साड़ी जो है नहीं पहनी जाएगी, हमारे स्कूल में सलवार नहीं पहनी जाएगी, हमारे स्कूल में सिर्फ स्कर्ट पहनी जाएगी, ये यूनिफॉर्मिटी है क्या? नहीं है ना ऐसा। तो जो भी स्कूल नॉर्म्स बनाता है वो क्या बनाता है, साड़ी सफेद रंग की होनी चाहिए, सलवार कमीज सफेद रंग की होनी चाहिए, स्कर्ट सफेद रंग की होनी चाहिए, और उसी तरीके से हिजाब भी सफेद रंग का होना चाहिए, पगड़ी भी सफेद रंग की होनी चाहिए, और तिलक जो लगाते हैं वो भी सफेद रंग का होना चाहिए। ये यूनिफॉर्म में कवर हो जाएगा। अब जब तक इस केस को इस तरह से आर्ग्यू नहीं किया जाएगा कि ये जो कानून लाया गया है ये मनुस्मृति को लागू करने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, महिलाओं को एजुकेशन ना लेने देने के लिए कदम है, पेश कदमी है, ये बहाना मुसलमान लड़कियों के लिए ये बनाया है, जो दूसरे धर्म की लड़कियां होंगी उनके लिए कोई और बहाना बनाया जाएगा यूनिफॉर्मिटी के बेस पे, ये इसकी बुनियाद होनी चाहिए बहस करने की। लेकिन हमारे लोग भी ट्रैप में फंस के इसको फंडामेंटल राइट बना रहे हैं। ये क्रिमिनल ऑफेंस है, हिंदू राष्ट्र बनाने का बगावत है, हिंदू राष्ट्र बनाने की भारत का संविधान खत्म करके टेरर एक्ट ऑफ टेरर है जो सरकार ने किया, ये उस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए। अच्छा प्राचा साहब, जो अब तक कानूनी जो कार्रवाइयां हुई हैं, जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि जब तक फैसला ना हो तब तक आप मजहबी ड्रेस पहनने की जिद ना करें, क्या आप इसको कानूनी तरह से कैसे देखते हैं? और उसके साथ साथ अभी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ पटीशन पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इन दोनों चीजों को मिलाकर के अगर देखा जाए तो आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अदालतों में क्या कुछ हो रहा है? देखिए, अदालतों के बारे में तो मैं अपनी कोई टिप्पणी करता ही नहीं, मैं सिर्फ कोर्ट करता हूं, और वो बहुत ज्यादा अच्छा कोर्ट भी है, मुझसे ज्यादा समझदार लोगों ने इस पर टिप्पणी की हुई। पहले 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जनता से ये आह्वान किया था कि हम लोगों के ऊपर दबाव है, यानी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव है, और जनता को इसका कुछ हमारी मदद करनी चाहिए ताकि हम दबाव से मुक्त हो सकें। ये मेरी पहली टिप्पणी है। और एक जो गोगोई साहब हैं, रंजन गोगोई साहब, हमारे देश के काफ़ी सही लंबे टाइम तक चीफ जस्टिस रहे हैं, उन्होंने खुद ये माना है और खुद कहते हैं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में मैं अपना अगर कोई केस होगा तो नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वहां मुझे न्याय नहीं मिलेगा। ये रंजन गोगोई साहब ने ऐसा कहा है, टेलीविजन चैनल पे कहा है, और खुद रंजन गोगोई साहब ने उसकी मिसाल भी कायम की है। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं कि उन्होंने अपना केस ही स्वयं सुन लिया, कि इस तरह का सुप्रीम कोर्ट की मिसाल भी कायम की उन्होंने जी। तो ये चीफ जस्टिस साहब ने मिसाल कायम की है, तो ये यही मेरी टिप्पणी है। तो अदालतों को अगर देश की जनता चाहती है तो अदालतों के हाथ मजबूत करने की सबसे बड़ी आवश्यकता है आज, जो 4 सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं। हम लोगों को सबसे अर्जेंटली, सबसे अहम काम हम सबका, देश के जो भी नागरिक हैं जो संविधान में भरोसा रखते हैं, और खास तौर पे एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग, उनको सड़कों पे आकर संविधान बचाने के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट करने चाहिए। देश की जुडिशरी भी संविधान का एक हिस्सा है, महम जुडिशरी को बचाने के लिए, जुडिशरी को हौसला देने के लिए कि पूरी देश की जनता, खास तौर पे 87% एससी एसटी ओबीसी और जो महिलाएं भी हैं, देखिए महिलाओं के साथ भी तो यही होने वाला है, 13% में से भी 50% यानी के 6.5% तो महिलाएं हैं। मनुवाद में जो सो कॉल्ड अपर कास्ट हैं, मनुवाद अगर लागू होगा तो महिलाओं के भी सारे हक चले जाएंगे ना, भले ही वो सो कॉल्ड अपर कास्ट की क्यों ना हो। तो 6.5% प्लस 87% हो गया 93.5%, 6.5% लोग ही इससे खुश हो सकते हैं, उनमें से भी जो ईमानदार शरीफ और जस्टिस चाहने वाले हैं वो भी इससे नाराज होंगे 6.5% में से। तो इसीलिए सबको, सब काम अलग हैं, सब काम छोड़ के सबसे पहले कोई ना कोई सिस्टम ऐसा डेवलप होना चाहिए कि सड़कों पे आके पीसफुल प्रोटेस्ट करके संविधान बचाएं, जुडिशरी बचाएं, ब्यूरोक्रेसी बचाएं, सरकारें बचाएं। सरकार अगर संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही तो सरकार के जो अफसर मजबूरी में काम कर रहे हैं दबाव में, उनको भी बचाने का काम जनता का है, क्योंकि जनता देश की मालिक है, जनता ही असली रूलर है देश की, यानी के शासक है।
अच्छा, आपने एक बात और कही कि जिस तरह से डिफेंड किया जा रहा है इस पर्दे वाले और हिजाब वाले मामले को, इसमें और क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि अब से पहले कुछ और मामलात में भी खास तौर पर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने जिस तरह से कानूनी मदद देने का काम करने का दावा किया है, उसमें भी ऐसा लगता था कि वहां जो तरीका अपनाया है वो शायद सही नहीं है। अब ये इतना बड़ा इशू है, बड़ा इशू बना दिया गया है, जो भी आप कहें, इसमें क्या कुछ करना चाहिए? अगर आप लीगल एडवाइस दें लोगों को या कौम को या उन लोगों को कि उन्हें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी सलाह तो मैं दे ही सकता हूँ, मानना ना मानना, तो ये सब भी इतनी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, जहीन लोग हैं, सलाह है जो कंसिडर करनी चाहिए। एक कहावत है, नोबडी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ इट्स ओन रॉन्ग। कर्नाटक की जो अभी ये हिजाब का इशू चल रहा है, प्रॉब्लम किसने क्रिएट की? प्रॉब्लम बीजेपी आरएसएस के कार्डर्स ने, इन ख्वातीन के ऊपर जो कि चुपचाप जाकर अलग क्लास में भी बैठ रही थी। छुआछूत जो है ना, जो मनुवाद और कास्ट सिस्टम में आती है छुआछूत, अछूत कर दिया गया था ना महिलाओं को, वो चुपचाप जाके उसको भी सह रही थी, मुस्लिम बच्चियां अलग क्लास में भी बैठ रही थी, वो भी उनको मंजूर नहीं था कि ये क्यों पीसफुल काम कर रही है, अभी इन्होंने अब भी कुछ नहीं किया। तो जाके हमले कराए, जो एक बच्ची ने उसका मुकाबला भी किया सैकड़ों इनके कार्डर्स का बहादुरी के साथ, वो क्या था, हमले करने लगे ये बच्चियों के ऊपर जाके कि अब तो प्रॉब्लम, और जो हमला करना प्रॉब्लम है, तो अदालतों को और कोई भी अगर जस्टिस और पीस लविंग या इंसाफ पसंद कोई भी इदारा होगा तो वो इन हमला करने वालों को रोकेगा ना, बेशक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उनको रोकने की कोई कार्रवाई नहीं, प्रॉब्लम वो खुद क्रिएट कर रहे हैं, उनको रिस्ट्रेन नहीं किया जा रहा, दोनों को रिस्ट्रेन किया जा रहा है। क्या कह के कि तुम हिजाब मना करना, अब जो हिजाब जो ख्वातीन या जो महिलाएं इन्हीं के ऊपर दबाव होता है तो वो अलग बात है, जबरदस्ती होती है तो वो अलग बात है और गलत बात है, लेकिन अपनी मर्जी से कोई हिजाब घूंघट या किसी प्रकार का कपड़ा पहनते हैं जिससे पूरा शरीर कवर हो, खास तौर पे महिलाओं के लिए, तो उसको ये कहना किसी भी कानूनी इदारे से कि आप ये नहीं पहनोगी, नहीं तो आप स्कूल ही नहीं आओगी, ये बहुत ही बड़ा इनजस्टिस है ये। और जो लोग ये जो महिलाएं घूंघट या हिजाब या पूरी ड्रेस पहनती हैं, उनसे अगर सर का कपड़ा हटाने की बात की जाए तो उनको ऐसा महसूस होता है, जो जो मैंने इसके बारे में रिसर्च किया और पढ़ा है, कि जैसे उनके कपड़े ही उतार दिए जाने के लिए कहा जा रहा है, उनको बरहना यानी कि न्यूड रहने के लिए कहा जा रहा है, ये उनकी सेंसिबिलिटी होती है इंडिविजुअल की। तो अब एक इसके बारे में ये भी वो आती है जवाब के, उन लोगों की जो मानसिकता है, इन महिलाओं की जो घूंघट पहनती हैं या हिजाब पहनती हैं, उनकी मानसिकता पीयर प्रेशर से यानी कि सामाजिक दबाव से या मजहबी दबाव से ऐसी मानसिकता ही कर दी जाती है कि वो हिजाब को पसंद करने लगती हैं, खुद ही पसंद करने लगती हैं, घूंघट को खुद पसंद ही करने लगती हैं, और वो उसको पहनना जरूरी खुद ही समझने लगती हैं, तो उनकी जो मेंटेलिटी या साइकोलॉजी है उसको ही असरअंदाज किया जाता है, मतलब उसको खराब कर दिया गया उन लोगों की लफ्जों में। तो अब जो ऐसी मेंटेलिटी है, हमने चलिए बहस के लिए मान भी लिया कि हालांकि ये बहुत ही अजीब बात है कि किसी ख्वातीन के ऊपर ये इल्जाम लगाना कि वो किसी दबाव में घूंघट या हिजाब पहन रही है, जो दबाव में पहनती हैं, तो उसकी भी एग्जांपल्स मैं आपको खुले में बता दूं कि बहुत सारी लड़कियों को ये कहा जाता है बहुत सारे घरों में कि वो बुरका ओढ़े, तो वो घर से बाहर जाके बुरका अपने बैग में रख लेती हैं, तो दबाव की जो जो दबाव है वो ऐसे ऐसे खत्म हो जाता है अपनी मर्जी से। लेकिन अगर कोई महिला अपनी चॉइस इसको भले ही गलत तरीके से गलत दबाव में आके या अपनी मानसिकता ही उसकी वैसी बन जाती है, बना लेती है, तो उसको रोकने का तरीका जबरदस्ती होगा
जिसकी मुखालफत की जाती है कि अफगानिस्तान में और दूसरी जगह जबरदस्ती हिजाब नहीं पहनाना चाहिए, तो क्या जबरदस्ती हिजाब उतरवाना चाहिए, घूंघट उतरवाना चाहिए, या एक मुहिम चलाई जानी चाहिए उन बच्चियों को ये समझाने की कि ये आपकी शायद मानसिकता ही खराब कर दी है, और चॉइस उनके ऊपर छोड़नी चाहिए एक दूसरा प्रस्पेक्टिव या एक दूसरी बात कह के कि ये शायद आपकी मानसिकता जो है कुछ कुछ लोगों ने, आपके माँ बाप ने या समाज ने, आपके धर्म ने या आपके रीति रिवाजों ने आपकी मानसिकता ऐसी कर दी है, तो इस मानसिकता को आप छोड़ो, ये प्यार से समझाई जानी चाहिए बात, या डंडे से, कानून के या फिजिकल या सच में डंडे से। ये एक आस्पेक्ट है जिसको सोचना समझना और अमल करना चाहिए। लेकिन मैं बाद में और आखिर में फिर यही बात कहता हूं कि ये सारी एक साजिश के तहत हो रही है बात, इसमें घुसना नहीं चाहिए। इसमें बात सिर्फ एक है, ये संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं और उसमें महिलाओं को पढ़ाई का हक नहीं है। मुसलमान जो बच्चे हैं उनका पहला नंबर है, इसके बाद एससी एसटी महिलाओं के लिए नंबर आएगा और उसके बाद बाकी महिलाओं का नंबर आएगा। कोई भी महिला पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ये इनका जो जो विधान है या जो इनका कानून है, जो हिंदू राष्ट्र का कानून है, वो ये है। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब, आपने दो तीन बातें बहुत ही अहम कही। एक तो ये कि इनकी साजिश के ट्रैप में नहीं आना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने एक तरह से ट्रैप डाला और शायद हम कुछ लोग फंस गए जा करके। दूसरी बात आपने ये कही कि इसको फंडामेंटल राइट के तौर पर जिस तरह से बहस की गई है, की जा रही है, वो भी तरीका गलत है जो कानूनी तौर पर इसको इस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। और ये आरएसएस और बीजेपी का एक मनुवाद को लाने का एक एक लार्जर प्लान है जो हिंदू राष्ट्र बनाने का है, और उसमें सबसे पहले टारगेट मुस्लिम महिलाएं हैं और दूसरे दलितों की और पिछड़े वर्ग की महिलाओं का भी नंबर इसी तरह से आने वाला है। और एक बुनियादी बात है, सभी लोग मैं समझता हूँ इस बात का एग्री करेंगे और समझते हैं कि अगर एक खातून एक औरत पढ़ती है तो पूरा खानदान पढ़ता है, अगर एक खातून जाहिल रह जाए तो पूरा खानदान जाहिल रहता है। ये सिर्फ लड़कियों की तालीम से रोकने का नहीं है, ये इसके बाद जो नस्लें आएंगी तो वो अपने बच्चों को भी ना पढ़ा सके, पूरा देश जो है वो जहालत की तरफ चला जाए। ये बहरहाल मनुवादी और हिंदू राष्ट्र, इसके बारे में इस तरह से कई बार लोगों ने बताया है कि जाहिल जितने लोग रहेंगे उतने ही इनके अंधभक्त रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों को वक्त दिया, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।